हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस इंटरव्यू सीरीज में काफ़ी समय के बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी अखिलेंद्र शुक्ला, जो कि जूनियर ट्रांसलेटर हैं और सीएजी के अंदर ही इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही जूनियर ट्रांसलेटर हैं। बाकी चीज़ें वो अपने बारे में बताएंगे आपको, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। अखिलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका इस चैनल बहुत पे। बहुत धन्यवाद तो अखिलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। हमारे जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप आते हैं, कोई और आता है अपने शेयर करता है, तो आप अपने बारे में प्लीज़ बताइए। आपका। जैसा कि आपने सभी को बताया ही कि मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद पे अभी वर्तमान में प्रधान लेखा परीक्षा कार्यालय रेलवे ऑडिट सिकंदराबाद में कार्यरत हूँ। मैं 2022 बैच से इस एग्जाम में सिलेक्टेड हूँ। तो ये हमारे ही साथ ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे ही बैच के हैं, साथी हैं, और ये भी सिकंदराबाद में पोस्टेड हैं। ठीक है अखिलेंद्र जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि कई को रहता है कि क्या सीबीएसई वाले ही सेलेक्ट होंगे, क्या हिंदी मीडियम वाले नहीं होते हैं, कि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी, कि क्या है, ये भ्रम थोड़ा दूर करिए। आप अपनी बेसिक शिक्षा जो शुरुआत से कहाँ कहाँ शिक्षा पाई है आपने और कौन कौन सी डिग्री आपने ली है, उसके बारे में बताइए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा और मेरी उच्च माध्यमिक शिक्षा दोनों ही शिक्षाएं गांव से ही हुई हैं और बाकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा गांव के ही कॉलेज से, जो कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध है, वहीं से हुआ। आप मैं कौन से कभी जिले से संबंधित हैं? आप अपना रहने वाले कहाँ के हैं? मैं प्रयागराज जिले से रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। ओके हाँ, ठीक है। तो आपकी 10th की क्लास जो है वहीं, कौन से स्टेट बोर्ड से किया है आपने? हाँ स्टेट बोर्ड से ही है। फिर उसके बाद 12th आपका? उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से संबद्ध, हमारे गांव के ही पास जो डिग्री कॉलेज था वहीं से, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ। मैंने मतलब कि आपका अपना शुरुआत से ट्रांसलेट लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप गांव के आसपास ही रहे, प्रयागराज में ही रह के, और स्टेट यूनिवर्सिटी से ही आपने पढ़ाई की। हाँ। ओके, तो उसके बाद फिर आगे पीजीडीटी वगैरह कहाँ से किया? उसके बाद ऐसा संयोग रहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का भी हमारे ही गांव के थोड़ी दूर पर एक कॉलेज से, यूपीआरटीयू से संबद्ध कॉलेज से, झांसी वहीं से टंडन ही जो है हो वहां पे। गया। हाँ, वहीं मुझे मतलब इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, सब कुछ वहीं से हो गया। बहुत बढ़िया, ये तो खुशनसीब है आपकी, आपको गांव में रह के ही और सारी सुविधाएं मिल गई, पढ़ने लिखने का माहौल। नहीं तो कई लोगों को क्या है कि बाहर भी जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, तो बढ़िया है प्रयागराज में सारी सुविधाएं हैं, तो ये अच्छा लगा कि ये आपकी ये। तो पीजीडीटी आपने कर लिया, उसके बाद आप कोई भी और भी एग्जाम्स के लिए हैं उस पर आएंगे फिर हम। तो आप ये बताइए कि आप फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, कि आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन से लोग हैं और कितना योगदान उनका रहा है आपके इस अचीवमेंट के लिए। देखिए, मेरा तो एक संयुक्त परिवार है और जहाँ तक अगर सदस्यों के योगदान की बात मैं करूँ तो सबका अपने स्तर से अपना अलग ही योगदान रहा। किसी का मोटिवेशन में योगदान, किसी का पढ़ाई में योगदान, तो किसी का मतलब एक भावनात्मक सपोर्ट जो रहा, सबका साथ मिला। बचपन से ही मुझे सब इतना मतलब फैमिली वाले प्यार करते थे कि बड़े हिसाब से मुझे कभी किसी चीज का ये अनुभव नहीं हुआ। वैसे तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज के लिए बाहर जाना पड़े या कुछ और करना पड़े। ओके, तो इसमें कुछ आप नाम लेना चाहें किसी का या किसके बारे में कुछ बताना चाहें, तो आप बता सकते हैं कि फैमिली में किन्हीं के बारे में जो सबसे ज़्यादा मैं आपको तो प्रभावित जिनसे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का नाम लेना चाहता हूँ,
उन्होंने बचपन से ही मुझे मोटिवेट करके रखा, हमेशा से ही। वो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, मैं खेलता भी बहुत था, ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ता ही रहता था, लेकिन वो हमेशा रात में या दिन में समझाते रहते कि तुम्हें बड़े हो करके एक अधिकारी रैंक का आदमी बनना है। तो वो चीजें मुझे हमेशा से मतलब माइंड में कहीं ना कहीं रहती थी। और उसके बाद मैं बात करूंगा अपने भैया का, वो हमेशा से मेरे लिए एक तरह से प्रारंभिक शिक्षक वही रहे। मैं स्कूल में गया, कहीं भी गया, लेकिन जो पढ़ता था, जो आके रिवीजन करता था, वो वही सब समझाते थे। यहाँ तक कि कोई भी एग्जाम देना हो, गवर्नमेंट एग्जाम, इससे पहले भी मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, इंटरमीडिएट होने के तुरंत बाद ही उन्होंने मुझे गाइड किया था। मुझे कहीं मतलब तैयारी के लिए नहीं जाना पड़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। कौन से पोस्ट के लिए था लेकिन वो? वो था मेरा एयरफोर्स में टेक्निकल ग्रुप में, ओके, 12 टेन के बाद प्लस टू वाला, लेवल। ठीक है। हाँ, लेकिन उसके लिए तैयारी करने नहीं जाना पड़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। ये गांव में मतलब रह करके पहले ही अटेम्प्ट में करना एक अपने आप में ठीक ठाक उपलब्धि माना जाता था उस टाइम पे। हाँ हिंदी मीडियम से पढ़ाई है और गांव में रहना और ना किसी कोचिंग का सहारा लेना, तो मतलब भैया हाँ ने आपको गाइड किया कैसे क्या कंपटीशन होता हाँ है भैया या ने कुछ गाइड ऐसा? किया। वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करते थे उस समय क्या, ताकि उनको नॉलेज इस सब चीजों की? नहीं, वो कंपटीशन का तो अपना तैयारी करते थे, लेकिन मेरे लिए इतना ज्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं, अवेयर रहते थे कि वो हमेशा से कोई भी एग्जाम जो मेरे लायक है, जो उन्हें लगा कि हाँ इसके लिए सही होगा, उसके लिए पूरा सिलेबस का, पूरा यहाँ तक कि प्रैक्टिस सेट का भी खुद से प्रिपेयर करते थे और वाह, मुझे देते थे, मैं केवल वो काम करता था बस। बिल्कुल ऐसे भैया तो सबको होने चाहिए। और काफी इतना कॉपरेशन की भावना, और कि छोटे भाई का जो तैयारी कराना है वो खुद से पढ़ के उसको तैयार कराने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, हाँ तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इसके बाद जो है, आप ये भी बताइए कि मुझे मालूम चला सूत्रों के हवाले से कि आप इससे पहले भी कई एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, कई एग्जाम्स आप क्रैक कर चुके हैं, तो उन एग्जाम्स के बारे में एक बार शॉर्ट में कौन कौन से एग्जाम आपने निकाले हैं तो वो एक बार बता दीजिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एयरफोर्स का मैंने 10+2 के बाद ही क्वालिफाई किया, लेकिन मेडिकली अनफिट होने के कारण मैं उससे बाहर हो गया। फिर ओके, मैंने ग्रेजुएशन जो बीएससी मेरा था वो मैंने छोड़ दिया, फिर से मैं बीए करने लगा। और संयोग ऐसा रहा कि बीए में मेरा हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। फिर भैया ने ही सुझाव दिया कि तुम्हें टीचर बनना है, तुम अब पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना, पहले ये डिग्रियां कंप्लीट हो जाएं। तो उसी क्रम में भैया की मुलाकात एक ट्रांसलेटर से हो गई थी, वो वर्तमान में अभी सीनियर ट्रांसलेटर हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसा भी एग्जाम होता है कि आपका अगर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश है, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट से हुआ हो, तब आप इस एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये डिप्लोमा नहीं आया था, मतलब वैसे था लेकिन कंपलसरी नहीं था, ठीक है, लेकिन 2020 2019 से वो कंपलसरी हो गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने फिर से मेरा डिफेंस में जाने का ख्वाब फिर से जागा, तो मैंने सीडीएस एग्जाम निकाला, एसएससी ओके, सीजीएल दिया 2022 का, मैंने प्रीलिम्स दिया, वो भी मेरा क्लियर हो गया। मेंस देना था लेकिन दो हजार बाकी सबसे पहले तो एयरफोर्स से पहले मैंने नेवी का एग्जाम दिया था, वो भी मेरा क्लियर हुआ था एसएसआर का। तो इस तरह से मैंने कई सारे एग्जाम, 10+2 का भी एक बार क्लियर किया था, तो लेकिन सीडीएस भी उसमें निकाला टाइपिंग और उसके बाद नहीं कर सीडीएस तो अपने आप में यूपीएससी कंडक्ट कराती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सकता। काफी टफ हाँ, एग्जाम होता उसको है वो। दो बार क्लियर किया। बहुत बढ़िया, अभी लास्ट में 2021 में मेरा एएफ कैट में भी हुआ था, मुझे एसएसबी मिला था वाराणसी में,
लेकिन पिताजी की तबीयत नहीं सही थी और मैं जा नहीं सका, SSB नहीं दे पाया। मेरा सपना था कि मुझे SSB एक बार देना है, भले सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन एक बार इंटरव्यू से गुजरना है। ये किस क्षेत्र में आ गए मजनू भाई? इसमें कैसे आ गए आप? मतलब ट्रांसलेटर में जब जाने की रुचि थी डिफेंस में, तो आप फिर इधर इस तरफ रुझान कैसे ट्रांसलेटर के जब लिए एज फिर? खत्म हो गया उधर डिफेंस से तो कुछ खास बचा नहीं। ये हुआ कि अब मुझे जाना है टीचिंग में, लेकिन हाँ जब उन ट्रांसलेटर से मुलाकात हुई, भैया ने मोटिवेट किया, तो लगा नहीं ये भी एग्जाम देना है। और उसका भी प्रिपरेशन के लिए वो सारे मटेरियल वही इकट्ठा किए। भैया ने मेरा काम बस यही था कि जो वो बताते थे बस मुझे पढ़ना था और प्रैक्टिस सेट लगाना था। उसी क्रम में मैंने किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है इंग्लिश का वो लिया। हिंदी के लिए तो मैंने केवल लूसेंट ही पढ़ा, लेकिन ओके चूंकि हम लोग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं तो हमारा हिंदी पहले से ही ठीक ठाक था। तो 2020 वाले अटेम्प्ट में भी मेरे 160 से अबव मार्क्स आए थे और 22 वाले में भी 160 अबव ही मार्क आए, तो ओके okay, अच्छा मतलब कि रहा। दो बार आप ये दूसरा अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन इसमें जीएसटी वाले में हुआ है, हाँ, तो इसमें जो सिलेक्शन हुआ आपका 22 वाले में, आपकी रैंक क्या थी और कौन से कैटेगरी आपका एक मेरी बार बता रैंक दीजिए। थी 359 और EWS कैटेगरी से मैं हूँ। 359 और डब्ल्यू कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है। ओके okay, तो बढ़िया है। इसके बाद हम बढ़ना चाहेंगे अगले सवाल की तरफ कि तो आप तो खैर काफी टैलेंटेड, इतने एग्जाम्स निकाले हैं, आपको अनुभव है ढेर सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि ट्रांसलेटर वाले इंग्लिश हिंदी पे फोकस करते हैं, लेकिन आप और भी सब्जेक्ट्स को अपना बना चुके थे तभी इतने सारे एग्जाम्स आपने निकाले हैं। तो इस दौरान समझना चाहूंगा आपसे कि कितना मुश्किल कहें या कितना थोड़ा सा टफ या चैलेंजिंग था इस SSC एग्जाम्स को क्रैक करना। GST की बात करूं तो इसके बारे में आप बताइए कि आपको GST की तैयारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े या क्या? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आता रहता है, कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती। मेरे साथ मेरा मेडिकल का प्रॉब्लम बहुत पहले से रहा है, तो वो समस्याएं मुझे कई बार रोकती थी कि ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है, लेकिन सपोर्ट इतना अच्छा था फैमिली का कि नहीं, आज अगर डिमोटिवेट हुआ तो कल फिर से खड़ा हो जाता था कि नहीं अब करना है। तो समस्याएं आई, लेकिन मटेरियल अच्छा था। अब जैसे प्रीवियस ईयर का मैं और कई सारे एग्जाम दे दिए थे, तो उससे मुझे ये अनुभव हो गया था कि हाँ किसके लिए कितना प्रिपरेशन जरूरी है कितना नहीं। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ना ही पड़ता है, आपको एक सिलेक्टेड अपना रोज का टारगेट बनाना पड़ता है, उसको किए उसके बाद आप फ्री होके कुछ भी कीजिए, लेकिन तैयारी के दौरान स्ट्रेस मत लीजिए। पहले अपना टारगेट क्लियर करिए, फिर खूब खुश रहिए, खूब अच्छे से अपना जो भी फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ा कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को कभी नहीं छोड़ना है। आपको किसी भी एग्जाम में प्रैक्टिस जरूर लगाना है। आप UPSC का भी किसी का भी टॉपर का इंटरव्यू देखें या किसी और का, वो सभी बताते हैं कि पहले हमने सिलेबस को देखा, प्रीवियस ईयर पेपर को देखा, तब जाके इस लाइन में आया। तो कहने का मतलब यही है कि आपको किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट ये जरूर लगाना चाहिए। Okay. मतलब प्रीवियस ईयर पे फोकस विशेषकर करना है, ट्रेंड को समझना है कि किस चैप्टर से कौन हाँ से कैसे सवाल आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, और सिलेबस को समझते हुए फिर प्रीवियस ईयर को देखते हुए फिर तैयारी आपको अपनी शुरू करनी चाहिए। ओके okay. बिल्कुल तो आप एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि प्रीवियस ईयर और ये जो टेस्ट लगाना है चाहिए, तो जैसे मॉक की समस्या आती है जो तैयारी कर रहे हैं GST के एग्जाम्स की, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? कोई बुक से लगाएं या किसी ऐप से लगाएं, कैसे क्या? मॉक टेस्ट के लिए स्पेशली मैं पूछना चाहूंगा। मैंने तो ऐप से ही मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा सा अंतर जरूर है। कुछ लोगों के लिए रहता है, वो एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे एक दो दोस्त ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन ही टेस्ट लगाए, फिर भी ऑनलाइन में अच्छा कर गए, लेकिन मेरे लिए था कि ऑनलाइन ही ज्यादा बेटर होगा। तो मैंने टेस्ट बुक का होता है उसका अपना
मतलब लिया था सब्सक्रिप्शन, तो उसी पे मैं प्रीवियस ईयर का भी सेट लगाता था और जो वो सेट अलग से देते थे प्रैक्टिस के लिए वो नोट भी बुक का। लगाता था। हाँ, और जैसे होता है बीच में आपका कोई पोर्शन अच्छा है, कुछ मतलब सिलेबस के कुछ पार्ट आपके थोड़ा आपके लिए हार्ड पड़ते हैं, तो उसका आप अलग से ही टेस्ट, वो लोग अलग से टेस्ट देते हैं, चैप्टर उसका वाइज आप टेस्ट अलग से रहता टेस्ट है। लगा के, हाँ, फिर फुल टेस्ट लगाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि एक अभ्यस्त हो जाते हैं ना कि इतना टाइमर भी वहां चलते रहता है, चार ऑप्शन में से हाँ सेलेक्ट करना है, लास्ट में सेलेक्ट करने के बाद जब चैप्टर अब वो टेस्ट खत्म होता है तो आपके स्कोर भी आपके आ जाते हैं। फिर उसमें यह भी फायदा है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं वो बता देगा, वीक चैप्टर है उसका सोल्यूशन, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको मदद करता है तैयारी के लिए। ओके, तो बुक के लिए स्पेशली अगर बात करूं आपसे, अब बुक की बात करते हैं कि कई लोगों को डाउट रहता है कि कौन से बुक पढ़े। वैसे तो सबका अपना अपना पसंदीदा किताब अलग अलग है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने स्पेशली जैसे इंग्लिश और हिंदी आते हैं इसमें, तो उसके लिए कौन से बुक फॉलो किए, किन से आपको मदद मिली बुक के मामले में? ग्रामर के लिए जो मैं पहले तो मैं लूसेंट से पढ़ता था इंग्लिश के लिए, लेकिन बाद में केडी कैंपस का जो नीतू मैम की बुक आती है उसको वॉल्यूम मैंने वन देखा, वो हाँ वो कम टाइम में ज्यादा आपको रिस्पांस देने वाला है, क्योंकि आपको केवल कंसेप्ट समझना है, बाकी काम आपका टेस्ट से ही होना है। आप टेस्ट लगाएंगे तभी आपको उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। तो इसलिए आपको एक बुक रखना है ग्रामर के लिए, और एक कोई या तो सोर्स यूट्यूब पे या तो कोई बुक, जैसे वैसे तो ब्लैक बुक को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ आपके लिए ज्यादा बल्कि हो जाएगा, तो आप उसका SB बख्शी का, क्योंकि नॉर्मल में वही है, तो उसको लेकर के आप वो कैब तैयार कीजिए और ग्रामर उससे पढ़िए, और बाकी टेस्ट लगाना तो कंपलसरी, क्योंकि हिंदी के टेस्ट लिए, से हिंदी आपका रिवीजन। के लिए और कौन सी बुक हिंदी आपने के फॉलो किया? लिए किसके लिए, हिंदी हिंदी के लिए कौन सा बुक आपने फॉलो किया? के लिए मैंने पहले ही बताया कि आप लूसेंट का कर सकते हैं, सामान्य हिंदी बाकी जो, आपको, हाँ आपको अगर ज्यादा और बेटर करना है तो उसके साथ साथ आलोक पब्लिकेशन का ले सकते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के कई एग्जाम्स के इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, खासकर यूपी रिलेटेड, क्योंकि यूपी में एग्जाम्स में हिंदी का बहुत बड़ा रोल, तो आप उसका ले करके और उसके सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, उससे आपको इतना अच्छा क्लैरिटी हो जाएगा कि आप जो लोग ज्यादा कमजोर हैं हिंदी में उनके लिए तो ये दो बुक बहुत ही अच्छी होगी। तो आलोक पब्लिकेशन है या आदित्य पब्लिकेशन? आई थिंक आलोक है, नहीं, आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य, वही हाँ आदित्य पब्लिकेशन की आती है, खासकर प्रयागराज में आपके ये ज्यादा चर्चित है, ये वहाँ कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा, ठीक है उसको हाँ, रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए ये किताबें हैं कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा एक तो कि आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि क्या जो सिलेक्शन होता है, कई लोगों का भ्रम होता है कि सरकारी नौकरी मिलना ये सबकी बस की बात नहीं है, ऐसा वैसा बहुत भ्रम चलते रहते हैं, तो आप अपने बारे में बताइए एक बार, परसेंटेज का मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह के छात्र थे आप, कि मतलब मीडियम थे, एवरेज से कम थे, एवरेज से ज्यादा थे, एक्सीलेंट एकदम टॉप रैंकर थे, किस तरह के छात्र थे? प्रारंभिक शिक्षा में तो मैं अपने क्लास का टॉपर रहा, अच्छा, लेकिन बाद में मेडिकल कंडीशन मेरी खराब होती गई तो स्कूल जाना बंद हो गया, मैं 2-3 साल लगातार स्कूल नहीं जा पाया, फिर भी एवरेज में रहा, कभी मतलब घर वालों के मोटिवेशन से, उनके सहयोग से, खासकर भैया के सहयोग से, कभी ये नहीं हुआ कि मैं एकदम से डाउन हो जाऊं, लेकिन अच्छा स्टूडेंट रहा, और खासकर कंपटीशन मुझे बहुत पसंद था, मैं किसी भी दो मैं कई बार स्कूल भी चेंज किया हूँ, जैसे 2 साल इस स्कूल में पढ़ना 2 साल दूसरे में, तो जाते ही एक टारगेट रहता था दिमाग में कि इस क्लास में मुझे सबसे आगे रहना है, तो इस हिसाब से मैं अच्छा ही स्टूडेंट था। बाकी जो लोग अपने को कमजोर समझते हैं, मैं समझता हूँ वो कभी ना समझे कि हम कमजोर हूँ, वो समझें कि कमियां हम क्या कर रहे हैं, उन कमियों को सुधारें, उसके बाद वो भी आगे जा सकते हैं। मेरे साथ ही कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो काफी नीचे लेवल पे रहे कई साल तक, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा हेल्प की,
उन्होंने भी अपने आप को सुधारा, आज वो भी टॉप रैंक पे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि और अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल करके आज वो अच्छी जगह पे हैं। ओके ठीक है, तो डेली रूटीन जो था आपका, जो प्रिपरेशन के दौरान जैसे था कि वो क्या था, एक संक्षिप्त विवरण उसका मैं चाहूंगा कि आप दें, कितने घंटे, अगर घंटे के, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि तैयारी को आवर्स में कैलकुलेट करते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई जरूरी है, कितना पढ़ेंगे तो होगा। खैर वो तो क्षमता पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका क्या था रूटीन, जैसे कि सुबह से कितना घंटा क्या सब करना, वो सब जरा बता दीजिए। देखिए, जैसा कि मेरा है कि मैं तो पहले से ही पढ़ता था, तो मुझे ज्यादा घंटों की जरूरत नहीं। अब खासकर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो घंटों में पढ़ाइयाँ नहीं होती, पढ़ाई हमेशा होती है आपके किसी टारगेट को पूरा करने में ही पढ़ाई होती है। आप घंटों में ना बांटे, आप डेली का अपना एक टारगेट बनाए कि मुझे आज इस सब्जेक्ट का ये चैप्टर पढ़ना है, और कंप्लीट करेंगे। जब कोई सब्जेक्ट आप या कोई सिलेबस का पार्ट कंप्लीट करते हैं तो आपके अंदर एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन भी आता है, मोटिवेशन भी आता है। तो बिल्कुल इस हिसाब से आप पढ़ाई करें, आप घंटों में ना बदले कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेबस हाँ, कि कंप्लीट हो जैसे कि गया। अब वही है, मेरा भी मानना यही रहता है कि आप टारगेट अचीव करिए, क्योंकि आवर्स का क्या है ना कि रूटीन आप बना तो लेंगे कि 6 बजे उठ के पढ़ना है, लेकिन अगर आप 6 बजे नहीं उठे, 7 बजे उठे, तो आपका मोरल ऐसे ही डाउन हो जाएगा कि अरे यार 1 घंटे मैंने बर्बाद कर दिए। लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज टारगेट रखेंगे कि आज मुझे जैसे नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लेना है दिन भर में, ठीक है, तो अब आप लेट भी उठे तो आपके दिमाग में वो टारगेट है फिक्स कि जैसे नाउन चैप्टर कंप्लीट करना है, तो ओवरऑल जो है आप सोने से पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो संतुष्टि के साथ सोएंगे, और आपको लगेगा कि आपका समय बर्बाद नहीं किया, आपने अपना टारगेट पूरा किया है, उसके अलावा जो करना है वो कर लिया। और मैं बहुत अच्छी इसमें बात ये आप। भी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि जो सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब जो पार्ट सिलेबस का, उसका आप टेस्ट जरूर लगाएं। उस दिन ना लगा पाए, दूसरे दिन जरूर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के साथ ही आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। बिल्कुल। अब एक बात ये बताइए अखिलेन जी, कि जैसे होता है ना सभी के लाइफ में एक डाउनफॉल सिचुएशन, सबसे वर्स्ट सिचुएशन आता है, कि वर्स्ट कहिए या चैलेंजिंग कहिए, या वही वो पीक पॉइंट होता, मतलब एक वो पॉइंट होता है जहां से इंसान या तो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, एकदम सब कुछ हार जाएगा, या तो वहीं से वो फिर से वापस खड़ा होगा, उठ खड़ा होगा। मैं जानना चाहूंगा कभी आपके साथ ऐसा लगा कि मैं थक गया, मुझसे नहीं होगा, या परिस्थितियां मुझे अब घेर लेंगी, या मुझे अब लगता है मेरा समाप्त है, अब कुछ करियर जो है कुछ सेट नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा सिचुएशन, तो बताइए कि उसको कैसे ओवरकम किया, एक तो सिचुएशन के बारे में बताइए, दूसरा कि उसको कैसे ओवरकम किया आपने, कैसे उससे पार पाया, और खुद को पॉजिटिव रखे, मतलब कैसे रखा उस समय में आपने, क्योंकि वही बहुत वैसे बार तो होता है मेरा कि जब बच्चों का नहीं होता है या किसी का नहीं होता है, एक सभी के लाइफ में कुछ आता है, कुछ ऐसा ऐसा सिचुएशन, तो उससे कैसे क्या बताइए अपने बारे में इसके बारे में। वैसे तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस तब रहा जब मैं इंटरमीडिएट हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट के टाइम पे मैं काफी ज्यादा बीमार हो गया। मेरे ओसीफेगस का कुछ समस्या हो गई, उसमें ये प्रॉब्लम थी कि खाना मेरे ग्रास नली से नीचे नहीं जाता था। 2 साल तक मेरे लिए समस्या थी, और मेरा इंटरमीडिएट में उतना मतलब ना तो क्लास ले पाता था ना पढ़ाई कर पाता। फिर भी लास्ट टाइम पे मैंने मैथ के लिए, खासकर मैं मैथ का बहुत ही ज्यादा अच्छा स्टूडेंट रहा, तो मैथ के लिए मैंने 2-3 दिन में पढ़ाई करके अच्छा स्कोर किया था, तो वो मोटिवेशन मुझे मिला। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप किसी भी और सिचुएशन में चले जाएं, फिर भी अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें। जब भी मौका मिले फिर से उठ खड़े हों। उसके बाद जब जीएसटी का मेरा चल रहा था प्रिपरेशन, उस टाइम पे 2022 वाले टाइम पे मेरे पिताजी का डेथ हो गया। उस टाइम पे मैं एकदम टूट गया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेटर रहे। लेकिन फिर भी भैया की मदद से और खुद को फिर से खड़ा करने के जुनून में मैंने फिर से अपने आप को मजबूत किया और पढ़ाई को आगे जारी रखा, और रिजल्ट आप सबके सामने है।
ओके अखिलेश जी, तो होता है डाउनफॉल आया, सिचुएशन आया और आपने उसको ओवरकम किया। और इसमें आप अब ये जानना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट की बात आती है कि जब अभी खासकर अभी प्रेफरेंस फॉर्म आने वाला है, ऑप्शन फॉर्म जो इसको कह रहे हैं, कि कौन सा डिपार्टमेंट हम चूज करें। जब आप पेपर 1 दे लेते हैं, पेपर 2 दे लेते हैं, तो रिजल्ट आने से पहले जो है आपका ये ऑप्शन फॉर्म आता है, तो उस ऑप्शन फॉर्म को चूज करने में भी बहुत ज़्यादा घबराहट है लोगों को, अभी भी बनी हुई है। तो उस क्रम में ही, जैसे कि आपने कभी सोचा कि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके साथ आए होंगे, तो यही डिपार्टमेंट क्यों, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट CAG का जो है, तो आपने यही क्यों चूज किया, इसके बारे में बताइए। इस डिपार्टमेंट का चूज करने का मेरा जो खास मकसद था वो यही था कि इसका जो ऑफिस है वो हमारे प्रयागराज में है और मुझे अपने प्लेस में रहना ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने उसे चुना। हालांकि मिला नहीं फिर भी। और दूसरा सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि आप डायरेक्ट AA की पोस्ट पा सकते हैं 3 साल बाद SAS का एग्जाम क्लियर करके, जो कि CGL का टॉप मोस्ट पोस्ट है। इसके लिए लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं हाँ, और गेस्टेड पोस्ट है। खासकर, हाँ, गजटेड कोर्स है और खासकर लोग ज्यादातर मतलब यूट्यूबर्स या वैसे भी कहते हैं कि ये पोस्ट मिनी IAS माना जाता है। तो इस मोटिवेशन के साथ आप इसको मतलब चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ओके, तो ये कितने नंबर पे आपने डाला था इसको, जैसे कि सीनियर का भी डाला होगा और भी डिपार्टमेंट्स, तो ये फर्स्ट था प्रायोरिटी, कैसे क्या था आपका इस डिपार्टमेंट को लेके? ये मेरा थर्ड प्रायोरिटी था, मैंने ओके ओके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सेकंड प्रायोरिटी दी थी और उसके पहले मैंने राजभाषा को दिया था। ओके बाकी सीनियर में AFHQ में पोस्ट था तो उसमें दिया था, लेकिन मैं चाहता था यही और मुझे मिला भी। चलिए ठीक है, वो थर्ड पे आपने डाला, और वो जिसका कट ऑफ उसमें यही होता है ऑप्शन फॉर्म में, तो कि जिसका कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा वो डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो जाएगा। तो एक भ्रम ये भी दूर कर लीजिएगा ऑप्शन फॉर्म भरने वाले, कि अगर मैंने पहले नंबर पे किसी को डाला, अगर वो डिपार्टमेंट नहीं मिला, आपका नंबर उतना नहीं बना, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको उसके नीचे वाले पोस्ट नहीं मिलेंगे। जैसे अभी सामने अखिलेश जी हैं, फर्स्ट नहीं हुआ, सेकेंड नहीं हुआ, थर्ड का कट ऑफ इनका क्लियर हो गया, थर्ड डिपार्टमेंट को मिल गया। तो ऐसा ही होता है, जिस भी क्रम में जितना आप सजाएंगे उसमें से किसी भी डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट का आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ऊपर से अगर टॉप है, हाई रैंक आ रहा है, हाई नंबर पर कट ऑफ जा रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट का हो गया वो डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। तो आप सारे ऑप्शन फॉर्म में जितने भी आएंगे वो बताऊंगा उसके बाद वैसे, लेकिन उस पर भर सकते हैं। ओके, एक बार अपने डिपार्टमेंट्स के बारे में ही, क्योंकि सेम ही है अपना डिपार्टमेंट, तो एक बार थोड़ा सा प्रमोशनल चांसेस जो हैं या लोकेशन वगैरह, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए कि क्या कैसे इसका रहता है, पोस्टिंग के चांसेस कहाँ कहाँ हैं अपने डिपार्टमेंट के। जैसे इस बार तो सीटें बहुत कम हैं अपने मतलब डिपार्टमेंट में, CAG में, फिर हाँ, 2023 जो पोस्टिंग जैसे, की ज्यादातर चांसेस आपको साउथ इंडिया में ही होंगे क्योंकि नहीं इस बार वहां का पे तो नहीं, जैसे सीटें खाली ओवरऑल हैं। अपना ये तो अपना क्या है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी पोस्टिंग जैसे हर एक राज्य में हो सकती है ना, हाँ, तो हो यही, सकती क्योंकि है। हर जगह इसका आपका जो ऑफिस है वो तो हर जगह है अपना, तो ये अगर आप ऑल ओवर इंडिया चाहते हैं पोस्टिंग कहीं भी लेना, तो आप वहां से इसमें कर सकते हैं, इस डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं। ओके, अब एक सवाल और, कि अब जो है यही तक था अपना तैयारी का सफर, या अभी इसके बाद क्या आगे और कुछ सोच रखा है आपने? इसके बाद मेरा जुनून है स्टेट PCS का, क्योंकि अच्छा, मुझे अपने नेटिव प्लेस में रहना और फैमिली के साथ मतलब रहना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने अपना प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है। बाकी ईश्वर की इच्छा रही और घर बिल्कुल वालों का बिल्कुल, बड़ों का आशीर्वाद रहा, हाँ, बिल्कुल होगा। तो यानी हम आने वाले टाइम में आपको SDM बनता हुआ देखेंगे, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल होगा, और आप, हम सभी की बेस्ट विशेज हैं आपके साथ कि आपका वो जरूर हो। एक चीज और, कि जिनका भी सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, प्री में नहीं हुआ, वो मेंस नहीं दे पाए, ठीक है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्योंकि मैंने आपका देखा अभी जर्नी, आपके बारे में सभी लोग ने जाना कि इतने शारीरिक रूप से भी प्रॉब्लम्स थी, फैमिली में भी प्रॉब्लम या जो भी है, इतने चीज़ों को ओवरकम करके आपने सिलेक्शन लिया है, काफ़ी मेहनत किया, कई एग्जाम्स क्लियर किए, एक बार में ही नहीं, कई बार आपने अपने आप को साबित किया, अपनी काबिलियत को साबित किया, तो क्या कहना चाहेंगे? ज़रूरी तो नहीं है कि आपका हर बार हो गया हो,
और जैसा कि हमने देखा भी अभी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जीएसटी नहीं क्लियर हुआ, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि जिनका कई बार के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि जैसे मैं बताऊं, महाराणा प्रताप से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हूँ। कई लड़ाइयों में उन्हें परेशानियां आई, लेकिन हर बार वो खड़े होते थे नए जोश के साथ। आप भी नए जोश के साथ खड़े होइए। आप अपने पुराने जो कमियां रह गई उनसे सीख लीजिए, कहाँ कमी रह गई, कैसे कमी रह गई, और नए जोश के साथ पुराने चीजों को निगेटिवली अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस उन कमियों को ठीक करें और नए सिरे से नए जोश के साथ फिर से लड़ें। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हुआ तो फिर कहीं और नहीं होगा। किसी दूसरे एग्जाम का, अगर एज नहीं बचा, किसी दूसरे एग्जाम का आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे भी बड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि मैं इस लायक हूं ही नहीं, मैं नहीं बन सकता। नहीं, हर एग्जाम हर आदमी के लिए है। बस क्या है कि आपको उतना धैर्य लाना है और अपने आप को उतना प्रिपेयर करना। बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार होता है कि नहीं यार अब तो मैं ट्रांसलेटर नहीं बन पाया। अरे भाई, ट्रांसलेटर ही एक फील्ड नहीं है, डॉक्टर ही एक फील्ड नहीं है, इंजीनियर ही एक फील्ड नहीं है। आपको कल में लगता होगा कि इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने, हम लोग को भी ऐसा लगता था। फिर उसके बाद भी देखिए कई सारे पोस्ट हैं अभी भी आपका, जैसे किसी का 30 क्रॉस हो गया, लगता है कि नहीं है, अभी भी कई वैकेंसीज आई हुई हैं। अभी देखिएगा एक वैकेंसीज और भी है जिसमें 35 तक भी मांगता है ट्रांसलेटर का, कई ऐसी डिपार्टमेंट है, तो आप उनका ट्राई कर सकते हैं। टीचिंग वाले में एज आपको अच्छा खासा मिलता है, आप बीएड कर सकते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस, उसमें काफी अच्छा खासा एज का मिलता है, आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। नेट जेआरएफ करके आप प्रोफेसरशिप की तरफ प्रोफेसर भी बन सकते हैं, उसमें भी एज की छूट है। तो ये कहना और इस वजह से हार मानना कि हमारा नहीं होगा और नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं गलत है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि फिर से उठ खड़ा होइए महाराणा प्रताप की तरह और लग जाइए, और सभी एग्जाम सभी के लिए है, ये बिल्कुल है। और कुछ कहना चाहेंगे आप, जो भी है तैयारी के क्रम में या जो भी चीजें आप उसके कुछ कहना चाहें, इसके बाद हम इंटरव्यू का समापन करेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ शब्द आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। और सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद से प्रिपेयर करिए। नहीं हो सके तो कम से कम किसी एक अच्छे सिलेक्टेड आदमी से अपना मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे रोहन जी का है, इनके चैनल से जुड़ करके। आपको सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको प्री, आपका मेंस, आपको मोटिवेशन, सब कुछ एक साथ। ये तो अपना छोटा सा प्रयास है और चलते रहेगा, आपके आप जैसे लोगों के साथ में जुड़ के, और सभी से हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, कई लोगों को सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही हम आप क्या है ना एक दूसरे से सीखते हैं, और क्या है जैसे आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे कई लोग जो होंगे उठ खड़े होंगे, वाकई में कई लोगों का मोटिवेशन बढ़ेगा। आप कमेंट सेक्शन में जो लोग इस वीडियो को देखेंगे आप लिखिएगा कि अखिलेन जी से क्या क्या चीज सीखा आपने, और क्या आपको सीखने की जरूरत है, जो डाउट्स हों, जो आप इनसे पूछना चाहें आप अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इनका रिप्लाई अखिलेन जी आपको देंगे। दूसरी बात कि आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं और भी, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेस्ट बुक ऐप जैसे टेस्ट लगा सकते हैं, उसका भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है? तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप सवाल कर सकते हैं अखिलेन जी को टैग करके, अखिलेन जी के नाम से आप, तो आपको ये जवाब दे देंगे। हमारे ग्रुप में भी ये शामिल है, तो वहां से भी आप पूछ सकते हैं कुछ सवाल हो, कुछ डाउट हो, और बाकी फिर अपना चैनल है उसके थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जॉब के लिए तो है ही, साथ साथ जो आपने और भी जॉब्स जो आपने सपने देखे हैं अभी और पे स्टेट पीसीएस का, जैसे भगवान करे जल्द से जल्द और आपका प्रथम बार में उसमें सेलेक्शन हो जाए, हम सभी के लर्नर्स फेलो पूरी टीम की तरफ से और सभी हमारे जो साथी हैं सभी की तरफ से आपको बेस्ट विशेज हैं। और ऐसे ही खुश रहिए और हम लोगों के बीच आते रहिए, और फिर आपसे जुड़ेंगे जब भी जरूरत हो, आप लोग भी बताइएगा तो हम लोग आ सकते हैं, बीच में बातचीत कर सकते हैं, सब अपने मित्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लोगों से जोड़ने के लिए और मुझे इस चैनल पर मौका देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।